गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी रायपुर पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित पूर्व छात्र सम्मेलन में उपस्थित श्री कैलाश दत्त दीवान जी अध्यक्ष जीसी एनआईटी रायपुर एलुमिनाई एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष हिंदुस्तान कॉपर श्री अनिल कुमार पठौर जी अध्यक्ष जीसीएनआईटी एलुमिनाई एसोसिएशन मुंबई चैप्टर प्रबंध निर्देशक आरडीसी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट कंपनी एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्य तथा परिवारजन भाइयों और बहनों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर के पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित एलुमिनाई मीट में आपके बीच उपस्थित रहकर वास्तव में खुशी हो रही है। छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम मुंबई में रहकर भी छत्तीसगढ़ आने का अनुभव हो रहा है। सुंदर प्रस्तुति सभी कलाकारों को धन्यवाद देता है। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मुंबई और महाराष्ट्र में अपनी पहचान बनाई है, यह देखकर मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि जीसी रायपुर के पूर्व छात्र संघ के अकेले मुंबई महानगर में 350 से अधिक सदस्य सक्रिय हैं, जिनकी जड़ें छत्तीसगढ़ में है। ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व स्नातक आज भी मुंबई में एक दूसरे से मिलते हैं, अपने शिक्षा संस्थान के बारे में चिंतन करते हैं, अपनी संस्था के विकास के लिए प्रयास करते हैं। यह बहुत ही सराहनीय बात है। दुनिया भर के अग्रणी विश्वविद्यालयों के विकास पूर्व छात्रों द्वारा निभाई गई भूमिका को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। हार्वर्ड सहित अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों की मामलों में पूर्व छात्र सक्रिय भागीदारी है। हार्वर्ड के पूर्व छात्रों का वैश्विक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव कितना बड़ा है यह जानकर मैं दंग रह गया। उनकी वेबसाइट से लिए गए आंकड़ों का हवाला देता हूं। हार्वर्ड के पूर्व छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख उद्यम बनाए हैं। उन्होंने सालाना 2 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा की है। पूर्व छात्र दुनिया भर में 3 लाख बोर्डों पर काम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हार्वर्ड के पूर्व छात्र हर महीने 1.6 मिलियन घंटे स्वयं सेवक के तौर पर काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस आखिरी बात का हमें अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। अपने समाज को और यदि संभव हो तो संस्थान को हर महीने अधिक सेवा देनी चाहिए। मुंबई आईआईटी के पूर्व छात्र अपनी अल्मा मेटर को बहुत बड़ा आर्थिक योगदान देते हैं। कुछ वर्ष पहले नंदन नीलकर्णी ने आईआईटी को 315 करोड़ रुपए दिए थे। आप एसोसिएशन की जानकारी से पता चला कि जीसी से 50,000 से अधिक पूर्व छात्र हैं। सदस्यों के प्रोफाइल से पता चला कि आप में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्यमी हैं। आप सभी विकसित भारत में आप भूमिका निभाने जा रहे हैं। पूर्व छात्र परामर्श देकर नेटवर्किंग के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर अपनी विशेषता और व्यावसायिक अनुभव साझा करके छात्रों और आपके शिक्षा संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज हमारे छात्र समग्र शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय वास्तविक कार्य जीवन का भी अनुभव चाहते हैं, इसलिए छात्रों के साथ जुड़ने, प्रशिक्षुता पद सृजित करने और परामर्श देने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्व छात्रों की भागीदारी और योगदान
वर्तमान छात्रों के लिए सफल करियर का रास्ता तैयार कर सकता है। साथ ही पूर्व छात्रों और उनके अल्मा मेटर के बीच संबंधों को और भी मजबूत कर सकता है। GCNIT द्वारा पूर्व छात्रों को उनकी विशेषता से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर अतिथि व्याख्यान, कार्यशाला और सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए भी नियमित रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए। विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में नोबेल पुरस्कार विजेता भी अध्ययन कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी अपनी विशेषता और अनुभवों को साझा करने के लिए विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपने कॉलेजों में वापस जाए, जिससे भावी छात्रों, संकाय और संसाधनों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। आपको यह जानकर दिलचस्पी होगी कि USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालय न केवल हमारे छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि वे भारत में अपने कैंपस भी खोल रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के 14 विश्वविद्यालयों के प्रमुखों के एक समूह ने राजभवन में मुझसे मुलाकात की। वे महाराष्ट्र के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी बनाने के इच्छुक हैं। वे योग के छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालयों के अपने ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम हैं। आप सभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने में मदद कर सकते हैं। आप अपनी व्यस्तता की वजह से बार बार रायपुर को जा नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वर्तमान छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आप छात्रों को ऑनलाइन संबोधित कर सकते हैं। हमारे देश ने अगले कुछ वर्षों में दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। सफल उद्यमी, टेक्नोक्रेट, सरकारी अधिकारी और बिजनेस लीडर के रूप में आपको यह परिवर्तन लाने में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। हमें मुंबई के लोगों से कई अच्छी बातें सीखनी चाहिए, विशेषकर यहाँ की कार्य संस्कृति और व्यवसायिकता। आप में से कई लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होंगे, जो सराहनीय बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें अपनी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वाह करना चाहिए। मैं आपसे समाज के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाने, उभरते छात्रों को कोई नौकरियां ढूंढने में मदद करने में, उन्हें उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने और अपने मातृ संस्थान तक पहुँचाने की अपील करता हूँ। मुंबई में राजस्थानी लोगों ने बहुत जगह छात्रावास खोले हैं। वहां रहकर राजस्थान के छात्र छात्राएं CA कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई करते हैं। इसलिए राजस्थानी समाज से बहुत अधिक संख्या में युवक CA CS होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप छत्तीसगढ़ से मुंबई आ रहे छात्र छात्राओं के लिए एक छात्रावास बनाने के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको आयोजित करने के लिए बधाई देता हूँ, लेकिन हम तो सब भाषण करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में भी अमल करने में कितनी कठिनाई होती है। समय परिवर्तनशील है। आज कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। इतवार को भी पहले होता था कि छुट्टी के दिन है, चलो कभी रिश्तेदार के यहाँ बैठ के आ जाए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर। लेकिन अब वो समय ऐसा है कि हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अब सबसे बड़ा हमारा दुश्मन मोबाइल और टेलीविजन है। अगर किसी की यहां समय निकाल कर आप चले भी गए और जिसके घर में गए हैं उसके फेवरेट सीरियल आ रहा हो,
समय फिर उनका चेहरा देखने लायक रहा था कि क्या इसको अभी आना था। घर में माँ बाप बच्चे बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, लेकिन चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है, कोई गेम खेल रहा है, कोई चैट देख रहे हैं, कोई अपना यूट्यूब निकाल के देख रहे हैं, लेकिन एक कमरे में बैठे हुए भी परिवार के सदस्य एक साथ में बात नहीं कर रहे। ये जो समय हमारा है, हमारा देश को इसीलिए जाना जाता था कि संयुक्त परिवार के लिए विश्व में भारत सर्वश्रेष्ठ था। अभी मेरे पास जापान के कॉन्सुलेट जनरल मिलने आए थे, उनसे मेरी बात हुई कि वहां सारे सब बुजुर्ग हो गए, मैन पावर की जरूरत है। जर्मन के कॉन्सुलेट आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहां सब बूढ़े हो गए हैं, हमको मैन पावर की जरूरत है और हम भारत के ऊपर आशा लगाए हैं। जर्मन का कॉन्सुलेट जनरल तो मुझको यहां तक कहा, अगर 5 लाख अगर मैन पावर आप अभी देते हो तो एट ए टाइम हमें प्राप्त कर लेंगे। इतनी डिमांड हमारे यहां के छात्रों का है, और इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि अभी जो परीक्षाएं जो हो रही है, नई शिक्षा प्रणाली जो हमारे सामने आ रही है, कि पहले तो हम कोई भी एक सब्जेक्ट में पढ़ते थे दूसरा डिग्री हमको नहीं मिलता था, अब तो कई डिग्री एक साथ आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट समय में बदल सकते हैं, बहुत ही सुविधाएं हैं नई शिक्षा प्रणाली। मैं एक कभी टेलीविजन में एक समाचार देख रहा था कि जापान में बूढ़े लोगों को उनके बच्चे मार रहे हैं, और कारण बताया गया कि हम इनके बोझ खर्चे नहीं उठा सकते। अब सोचिए कि जो बेटा अपने माँ बाप का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं, अब इसके कारण जिसकी हत्या हो। कई लोग अपने माँ बाप को घर में रखते हैं, खाना खिलाते हैं, उनसे उनका पैसा लेते हैं कि हम आपको पाल रहे हैं, जबकि हमारे देश में बुजुर्गों को भगवान स्वरूप मानते हैं। बुजुर्ग कोई काम न करे, लेकिन लगता है कि बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे सर पर है तो हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये सोच कितना बदल गया है, और फिर भी आप लोग इतना अपना घर का काम करते हुए, अपने व्यवसाय को देखते हुए, आपस में मिलने की जो बात आप लोग यहां पर किए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग उसको दायरे को बढ़ाइए। और मैं चेहरा देख रहा हूं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरे परिचय के बहुत लोग नहीं आए, अब अगले टाइम अगर मुझको बुलाना हो तो रायपुर से जितने भी छात्र निकले हैं सब उपस्थित होना चाहिए। जब हम आपको देखते हैं तो मुझे भी अपने कॉलेज का समय याद आ जाता है, और कभी कभी तो मैं मन में गुनगुनाता हूं कोई लौटा दे मुझे बीते हुए। आज आपके बीच में आकर बहुत खुशी हुई, रायपुर के हमारे सभी लोगों से मिलने का अवसर मिला, वैसा तो समय नहीं मिलता, न मैं आपके बीच आ सकता न आपके पास हम आ सकते, कम से कम इसी बहाने मैं पंचोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे आमंत्रित किया और आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। धन्यवाद।